वेलकम टू एस एस सी क्रैकर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसे ऑन जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 एंड ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एस एस सी पॉइंट ऑफ व्यू से जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 आई थिंक डिस्क्रिप्टिव पेपर में तीन चार बार ऑलरेडी आ चुका है, बट इसका आने का चांस है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये गारंटी एसएससी सीजीएल में अभी 2007 में आएगा, बट आपको इससे मिनिमम 30 to 40 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। एंड मैं आपको बताता हूँ, मुझे बहुत सारा इसमें आपका मेल आता है, मुझे बहुत व्हाट्सअप आता है, टेलीग्राम ग्रुप में मेरा कमेंट आता है कि सर अब इतना बड़ा ऐसा दे रहे हैं तो वहाँ पे एसएससी सीजीएल में तो अब हमको 250 वर्ड लिखना है, बस यहीं पे आप मार खाएंगे। क्यों? देखिए, अगर आपको ऐसे रटना है तो मैं रटने के लिए आपको दे दूँगा, बट आप कितना रटेंगे? ऐसे के लिए आपको कुछ इफेक्टिव वर्ड चाहिए, जिससे आपको वोकैब स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए मैं वोकैब क्लास स्टार्ट कर रहा था, जो अनएक्सपेक्टेड वोकैब क्लास, जहाँ जो वोकैब वर्ड आपको नहीं मिलेगा किसी बुक में, वो वोकैब में लेने वाला था, बट वहाँ पे मुझे लाइक नहीं मिला, मुझे अच्छा कमेंट नहीं मिला, इसलिए उसको मैं बंद कर दिया। मुझे लगता है आपका वोकैब ज़्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए मैं इसको नहीं किया कि आपको तो ऑलरेडी आता होगा वोकैब, इसीलिए आप उसको इतना देख नहीं रहे, तो फिर ठीक है। अगर आपका वोकैब स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छा है, एंड आपको idiom phrases भी यूज करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा सेंसिटिव वर्ड यूज करना पड़ेगा, ताकि इसके बाद ही आपको 70 प्लस सोचना है, नहीं तो मत सोचो, 50 सोचो। अगर आपको वोकैब स्ट्रांग नहीं है, idiom phrases आपका याद नहीं है, तो मुझे नहीं लगता इफेक्टिव वे से आप लिख सकते हो। कोई बंदा आएगा, वो अच्छा वर्ड देगा, जैसे मैं आपको वर्ड बताता हूँ, सागासियस बोलेगा, या फिर एनोमस बोलेगा, या फिर एक्रीमोनियस बोल, ये सब बहुत सारे वर्ड है वो यूज करेगा। जैसे आपको बता देता हूँ, एक बंदा आएगा, उसमें ऐसे में आपका लिखेगा विजडम, और एक बंदा आएगा लिखेगा सागासियस, तो बंदा किसको, आप खुद वो सोचिए किसको ज़्यादा मार्क मिलेगा, जो सागासियस लिखा होगा, क्योंकि विजडम सबको पता है, सागासियस सबको पता नहीं होता। ओके, तो टायर थ्री के लिए आपको ऐसे इफेक्टिव ऐसे लिखना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड ऐसे के लिए। तो टायर थ्री के लिए आपको ऐसे इसके सिवा और कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रीड एनी अदर बुक। ओके, तो इट इज़ सफिशेंट टू क्रैक एस एस सी जी एल टायर थ्री एग्जाम। ओके, सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव गॉन थ्रू मेनी प्रीवियस ईयर को टायर थ्री पेपर्स, आई फाउंड मेनी ऑफ द टॉपिक्स आर रिलेटेड टू जिस लाइक जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल, वुमेन एम्पावरमेंट, एंड यू हैव टू स्टडी थॉरली ऑन द गवर्नमेंट स्कीम ऑफ मोदी, ऑन द मोदी गवर्नमेंट स्कीम। ओके, मोदी, आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड, वी हैव डिक्लेयर्ड मेनी गवर्नमेंट स्कीम, सो दैट यू हैव टू पिक अप द पॉइंट्स, यू हैव टू पिक अप द पॉइंट्स फ्रॉम दैट आर्टिकल्स, from that government scheme, it will be help you in your next upcoming SSC CGL tier 3 exam. Okay, so chaliye let's start our topic without delay. To dekhiye, channel se start karne se pehle main ek ko batana chahta hu ki already main demonetization ka topics already upload kar chuka hu, usko ja ke aap dekh sakte hain, and aapko agar iska pdf chahiye to mera telegram group join kar sakte hain. Okay, नहीं तो आप इसको वीडियो पॉज करके आप खुद लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे देखिए, मैं आपको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, कुछ संचित पहुजा जो हमारा एक्साइज इंस्पेक्टर है, उन्होंने कुछ टॉपिक यहाँ पे दिया था, जैसे ये टॉपिक आपका बहुत से नेसेसरी है, जैसे आपका ब्लैक मनी के ऊपर हो गया, उसके बाद आपका डीमोनेटाइजेशन, देखिए ये आपका ब्लैक मनी हो गया, उसके बाद आपका डीमोनेटाइजेशन हो गया, उसके बाद आपका ब्लैक चेन हो गया टेक, उसके बाद इंटॉलरेंस हो गया, कश्मीर इशू, नेमालिज्म, उसके बाद ऐसे बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक है। मैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे इसको भी पोस्ट कर दिया हूँ,
अब इसको जाके आर्टिकल जैसे 350 ए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 370-498 हम डिस्कस करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अर्थक्वेक के बारे में, फ्लड के बारे में, ओके। उसके बाद इससे बहुत सारे इसका टॉपिक आप खुद मेरा टेलीग्राम ग्रुप में मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट करते हैं। देखिए हमारा टॉप आज का लेक्चर है जो हमारा आर्टिकल 370। देखिए भारतीय जनता पार्टी स्टांस ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन ऑन द नेसेसिटी ऑफ ए डिबेट। यहाँ पर आप देखना कितना कितना अच्छा वर्ड यूज हुआ है एंड ईडियम फ्रेजेस क्या क्या यूज हुआ है। ओके, आपको ऐसे ही ऐसे लिखना है अगर आपको इफेक्टिव ऐसे चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी स्टांड ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शंस ऑन द नेसेसिटी ऑफ ए डिबेट ऑन आर्टिकल 370 हैज मेड दिस इशू हॉट पोटैटो। देखिए हॉट पोटैटो, आपको पता है हॉट पोटैटो एक ईडियम फ्रेजेस होता है, बट इसका मीन्स मुझे मीनिंग मुझे कमेंट सेक्शन बताना है। देखिए कैसे कैसे वर्ड यूज हुआ, ऐसे ही वर्ड आप यूज़ नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपका इफेक्टिव वैसे हो सकता है। तो चलिए अभी बिना इंटरप्ट करते हुए शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी स्टैंड ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन ऑन द नेसेसिटी ऑफ ए डिबेट ऑन आर्टिकल 370 हैज मेड दिस इशू हॉट पोटैटो फॉर द सेम आर द एवे ऑफ इलेक्शन इन दैट स्टेट। ओके, आर्टिकल 370 हैज ऑलवेज बीन ए कॉन्ट्रोवर्शियल इशू। ओके, द ट्रेडिशनल पोजिशन ऑफ बीजेपी, यहाँ से आप खुद क्या करेंगे ना पॉइंट निकाल के लिख सकते हैं। ओके, आर्टिकल ए वाला आपका, द भारतीय जनता पार्टी स्टैंड ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन ऑन द नेसेसिटी ऑफ ए डिबेट ऑन आर्टिकल 370 हैज मेड दिस इशू हॉट पोटैटो फॉर द सेम आर द इवे ऑफ द इलेक्शन इन द स्टेट्स। आर्टिकल 370 हैज ऑलवेज बीन ए कॉन्ट्रोवर्शियल इशू। ओके, द ट्रेडिशनल पोजिशन ऑफ बीजेपी ऑन आर्टिकल 370 वॉज डिफेंड बाय श्याम प्रसाद मुखर्जी द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता संघ। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको इंपॉर्टेंट खुद निकाल के आपको लिखना है। ओके, उसके बाद आया द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता संघ। ओके, मुखर्जी टर्म द आर्टिकल एज ए प्रॉब्लमेटिक। देखिए प्रॉब्लमेटिक, वन हैड ए सिंबल ऑफ इनकम्प्लीट इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट विथ इंडिया। ही वॉज कन्विंस्ड दैट आर्टिकल 370 वॉज द बेस फॉर एडवोकेटिंग ए स्पिरिट ऑफ सेपरेशन। इट वॉज इन लाइन विथ दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ मुखर्जी दैट जनसंघ प्लेस्ड द डिमांड ऑफ एबोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370. Mr. Narendra Modi, however, did not raise the demand of abolition of Article 370 during his Jammu rally. He rather asked for a rational debate, being a seasoned national leader. देखिए आपको पहले टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है। टॉपिक क्या है, आर्टिकल 370 आपका क्या है, इससे रटने से आपको कुछ फायदा नहीं होगा। पहले आपको डिटेल यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाउएवर डिड नॉट रेज द डिमांड ऑफ एबोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बट इसमें पूरा आर्टिकल 370 के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। आपको खुद क्या करना है ना, इसको पहले समझना है, उसके बाद आप लिख सकते हैं। तो चलिए लेटर, ही फर्स्ट वांट्स टू टेक द पीपल of the state into confidence and not to trust something down their throat, and that's what is the beauty of a democracy. Article 370 of the Indian Constitution is a temporary provision which grants special autonomous status to Jammu and Kashmir under Part XXI of the Constitution of India, which deals with temporary, transitional and special provisions giving special status to the state of Jammu and Kashmir under Article 370. All the provisions of the state which is applicable to other states are not applicable to Jammu and Kashmir. Okay, the article says that the provision of Article 238, which was omitted from the Constitution in 1956 when Indian states were recognized, shall not be applicable to the state of Jammu and Kashmir. Dr. B.R. Ambedkar, the principal drafter of the Indian Constitution, had refused to draft Article 370. In 1949, the Prime Minister Nehru had directed Kashmir leader Sheikh Abdullah to consult Ambedkar to prepare the draft of a suitable article to be included in the constitution. Article 370 was eventually drafted by Gopal Swami Ayanagar, who was former Diwan to Maharaja Hari Singh of Jammu and Kashmir. यहाँ पे देखिए ये तो लिखने की जरूरत नहीं, बट यहाँ पे कुछ समझना है कैसे आर्टिकल हुआ, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे क्यों नहीं मना कर दिए कि मैं ड्राफ्टिंग नहीं करूँगा आर्टिकल 370 के बारे में। इसमें थोड़ा आपको अच्छा याद रहेगा। ओके, जैसे आपको हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, हिंदू न्यूज़पेपर के आपको 250 वर्ड देता है क्या, नहीं टोटल देता है, आपको वहाँ से चूज करना होता है। सेम चीज़ यहीं पर आपको करना है। ओके, मेरा प्रोसेस फॉलो करेंगे तो 370 प्लस आपका आराम से आएगा। शेख अब्दुल हुआज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर बाय महाराजा हरि सिंह एंड जवाहरलाल नेहरू आर्ग्यूड दैट आर्टिकल 370 शुड नॉट बी प्लेस्ड अंडर टेम्पररी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट द 1953 इन
यहाँ पे होगा, इन 1952 दिल्ली एग्रीमेंट ऑल्सो स्पेसिफाइड दैट द स्टेट शुड हैव इट्स ओन फ्लैग इन एडिशन यूनियन फ्लैग एंड दे शुड हैव द सेम स्टेटस. दिस एग्रीमेंट वॉज फर्दर रेटिफाइड बाई द 1970 एग्रीमेंट बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर इंडिया प्राइम मिनिस्टर्स इंदिरा गांधी एंड देन जम्मू एंड कश्मीर प्राइम मिनिस्टर्स शेख अब्दुल्ला. ओके, पहले देगा याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर कश्मीर का जो हमारा ये क्या है वो, उसका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है, याद रखना जम्मू एंड कश्मीर का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी भी है. ओके, तो वॉज अग्रीड दैट द हेड ऑफ द स्टेट कॉल्ड सरदार ई रियासत वॉज टू बी इलेक्टेड बाई द स्टेट लेजिस्लेचर. द अग्रीमेंट अपोज्ड इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 352 एम्पावरिंग द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम जनरल इमरजेंसी इन द स्टेट. द स्टेट लेजिस्लेचर हैज ए 6-year टर्म अनलाइक अदर इलेक्टेड बॉडीज. ओके, आपको पता है जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, विधानसभा होता है, उसमें क्या होता है, 6-year होता है, जो उनका मेंबर होता है उनका मेंबरशिप होता है आपका 6-year, बट अनलाइक अदर इलेक्टेड बॉडीज. ओके, तो विच हैव ए 5-year पीरियड इंक्लूडिंग आवर पार्लियामेंट. आवर पार्लियामेंट में वो 5 years तक है, हमारा MP MLA 5 years तक रहते हैं, सिर्फ राज्यसभा 6 years रहता है, बट इनका 6-year टर्म होता है. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 370, इसको आपको बहुत ही अच्छा अच्छा पॉइंट इसमें डिस्कस हुआ है, इसको आपको जरूर इंक्लूड करना है आपके इसे में, अगर आपको आर्टिकल 370 के बारे में अच्छा लिखना है. देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 370, एक्सेप्ट फॉर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशंस, पार्लियामेंट नीड्स द स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट फॉर अप्लाइंग ऑल अदर लॉज. दस द स्टेट रेसिडेंट्स लाइव अंडर सेपरेट सेट ऑफ लॉज. ओके, द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैज़ नो जुडिसडिकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर. याद रखना, द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैज़ नो जुडिसडिकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर. डिसरेस्पेक्टिंग द ट्राइकलर एंड अदर नेशनल सिंबल इज नॉट ए क्राइम इन द स्टेट. ए पाकिस्तानी रेसिडेंट्स गेन जम्मू एंड कश्मीर सिटीजनशिप इफ दे मैरी जम्मू एंड कश्मीर सिटीजनशिप. ओके, RTI, RTE, CAG एंड मेजोरिटी ऑफ इंडियन लॉज आर नॉट एप्लीकेबल. देखिए, आपका जो CAG होता है ये कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल होता है, इसका आर्टिकल 149 से आता है. RTE होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन होता है. RTE ऑफ इंडियन लॉज आर नॉट एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर. ओके, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370 नो आउटर साइड कैन परचेज लैंड इन जम्मू कश्मीर. अंडर आर्टिकल 370 द सेंटर हैज नो पावर. देखिए, आर्टिकल 370 में क्या क्या मेंशन हुआ था ये सब देखिए, जैसे RTI, CAG, ओके, द सेंटर हैज नो पावर टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 इन द स्टेट्स. इट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी ओनली इन केस ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन. अंडर आर्टिकल 370 द इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट इंक्रीज और रिड्यूस द बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट्स. इसमें 370 में क्या क्या इंपॉर्टेंट इंक्लूड हुआ है ये भी आपको ऐसे में लिखना है, किसको भी पता नहीं होगा. दो ए लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई इज रेज्ड. ह्यू एंड क्राई आपका idiom phrases है. इज रेज्ड ऑन द इशू प्राइम इंपॉर्टेंस मस्ट बी गिवन टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड देयर बेटरमेंट. बट येस, वन थिंग फॉर श्योर, यू ऑटर आर्टिकल 370 एंड आई ब्रोज आर रेज्ड. हेंस मोस्ट ऑफ द नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया कीप दिस इशू एट आर्म्स लेंथ. आर्म्स लेंथ होता है आपका idiom phrases होता है, मुझे इसका मीनिंग बताना है. आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ का मतलब नजदीक होता है, याद रखना आर्म्स लेंथ. नॉट टू मैंशन द टू मेजर पार्टीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एज वेल एज द सेपरेटिस्ट आर इन द फेवर ऑफ आर्टिकल 370. तो इतना हमारा टॉपिक आर्टिकल 370 के बारे में. आप इसको वीडियो को एक एक पॉज करके इसको नोट करना है, आप खुद का पॉइंट लिखना है. अगर आपको लिखना आता है तो आप ऐसे में बहुत अच्छा करेंगे, मेरे गारंटी के साथ देता हूँ. तो अगर नहीं आपको लिखना है, आपको जिसको बोलते हैं वर्क नहीं करना है, हार्डवर्क नहीं करना है, नहीं मुझे कुछ मिल जाएगा मैं पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं होता है. प्लीज़ इसको आप पर्च करके खुद लिखे अपना पॉइंट बनाएंगे तो फिर आपको याद रहेगा, नहीं तो इसे रटने से कुछ नहीं होगा, वहाँ पे भूल जाओगे. ओके, मैं इसका PDF 251 मैं दे दूँगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर चुका हूँ डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद मैं इसको भी अपलोड कर दूँगा 251, जैसे इससे का मैं भी पॉइंट कुछ उठा के इसमें अपलोड करूँगा, बट पहले आपको खुद सॉल्व करना है. तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.